रोजा जी खुल गया है और रोजा खोलने के बाद पता नहीं बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, समझ से भाई होती है, एकदम सर भारी होता है, आंखों के आगे अंधेरा होता है, अब नहीं हूँ गिर जाता है। अब नमाज पढ़ लो फटाफट। ये जी दो क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, फ्लोर क्वेश्चंस हैं, कलर बहुत प्यारा है इसका और ये कुछ इस तरह के हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है, बहुत अच्छा मटेरियल है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है और जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ना वेलवेट वाला, ये भी बहुत अच्छा है। फ्लोर कुशन है, इसका साइज़ उससे बड़ा है, पहले वाले का मटेरियल था वेलवेट में और इसका मटेरियल कुछ ऐसा है। के बाद जी लग्जरी कलेक्शन में से इन्होंने अपनी बेडशीट सेट भेजा है, ब्राइडल सेट इसको बेसिकली कहते हैं और ये डबल बेड का है। आप लोग को 6 पीस भी मिल जाएंगे और आप लोग को मेरा ख्याल है 3 पीस भी मिल जाएंगे, इधर मैं इन्फॉर्मेशन टैग कर दूंगी। अच्छा, सबसे पहले इनकी प्लेन बेडशीट है, फिर ये आ गए पिलो कवर्स, दो हैं प्लेन, उसके बाद दो हैं ये इस तरह के और ये है क्विल्ट और इसका मटेरियल है शमोस टाइप का, बहुत प्यारा। उसके बाद एक ये बेडशीट सेट है, ये इसके पिलो कवर्स है, सेम इसी तरह की बेडशीट है, ठीक है। पिलो कवर मैंने आप लोगों को खोल के दिखा दिया है, ये इसका मटेरियल कॉटन का है, ये वाला मेरा ख्याल है लिनन टाइप है और ये शमोस टाइप। बाकी इन्फॉर्मेशन आप पेज से ले लीजिएगा, पेज टैग है, वेबसाइट टैग है। है जी ये बेडशीट, ये इसका पिलो कवर है, ये इसका जी दूसरा पिलो कवर आ गया, ये जब बिछेगी तब इसकी सही लुक निकलेगी। एक ये पिलो है छोटू सा और ये इसकी बेडशीट है, इसके अंदर भी फ्रिल लगी हुई है और ये इसका कलर है। अगला पार्सल है रंगे नौ की तरफ से, इन्होंने दो सूट भेजे हैं, ये है पहला ड्रेस, आप लोग पहले इसका कलर देख लें, दूर से ना थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आता। ये इसका कलर है, बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर है, ये इसकी है जी ओवरलॉक, ठीक है, वाइट लेस के साथ और ये अंदर इन्होंने लगाया हुआ है टिशू के साथ, ये डिज़ाइनिंग की गई है। ये है जी इसकी बैक साइड। अच्छा, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, दुपट्टा इसका है नेट का और बहुत सॉफ्ट नेट है, बड़ी आसानी से लिया जाएगा। जी ये ड्रेस है, ये इसका कलर है, सेल्फ प्रिंटेड कपड़ा है, ये इसके बाजू हैं, गला है मीडियम साइज। अच्छा, जो पहले ड्रेस दिखाया था वो था शर्ट स्टाइल में, ठीक है, और जो ये वाला है ये है कुर्ता स्टाइल में। आप लोग को जो स्टाइल पसंद आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा, वो था शर्ट और दुपट्टा और ये है शर्ट और ट्राउज़र, ये इसका ट्राउज़र है। अच्छा, इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ, ये है जी इसकी बैक साइड। ये जी तीन इन्होंने भेजी हैं रिंग्स, जो मैंने लास्ट तोते वाली वीडियो में पहनी हुई है रिंग गोल्डन कलर की, वो भी यहाँ से आई हुई है। जो लोग पूछ रहे थे कि गोल्डन रिंग उस वीडियो में कौन सी आपने पहनी हुई है, वो इस ब्रांड से मुझे आई थी, ठीक है। ये एडजस्टेबल है, आप लोग टाइट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, पेज टैग है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप पेज से लें। उसके बाद जी रॉयल कलेक्शन की तरफ से ये अल्लाह के नाम का पेंडेंट आया है और पर्ल्स वाली इसकी चेन है, थोड़ा पास से दिखाती हूँ, थोड़ा दूर जाते हैं। उसके बाद जी ये सेट है, बहुत लाइट वेट है, एयरिंग्स पहन के आपके कान बिल्कुल नहीं दुखेंगे। अच्छा, ये इसकी ओवरलुक है, ये सबसे पहले चोकर आ गया ब्लैक स्टोन के साथ, ये इसकी हैंगिंग आ गई, उसके बाद ये इसके एयरिंग्स आ गए और ये इसकी टिक्की आ गई। बहुत शुक्रिया जी भेजने के लिए, पेज टैग है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप पेज से पूछें। उसके बाद ये कुंदन का सेट भेजा है, सिंपल सा। अच्छा, जो ये सिंपल कुंदन के सेट होते हैं ना, जब आपने बहुत हैवी ड्रेस पहना हो तो ये गले में पहनने में बहुत प्यारा लगता है, कानों में छोटे छोटे ये बहुत प्यारा शिकारे मार रहा है।
सबसे मज़े की चीज़ तो भाई रह ही गई, इन दोनों के कलर देखे कितने प्यारे हैं। अच्छा प्लेन सिल्क की साड़ी हो और उससे सही चोकर पहना हो और इसी तरह की इयरिंग्स हो, बहुत कमाल लुक लगे। ये वाला कलर बहुत प्यारा है, नीचे वाला ग्रीनिश ब्लू सा और ये ब्लैक है। जी आज तक का माशाल्लाह से सबसे बड़ा ऑर्डर है। 100 पीसेज है टोटल, COD इधर ज़ीरो है क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है। 25 पीसेस, 25 पीसेस, 25 पीसेस और ये भी 25 पीसेस। बस जी पैकअप हो गया है, बस ये पैक करने वाली रह गई हैं, घंटे तक सो जाना। शहजाद इसके अंदर डाल दो, ये मैंने निकाल लिया। आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, बच्चे सो रहे हैं, सहरी कर ली है, बस 4 मिनट रह गए हैं बंद होने में। अब अजान का वेट है और नमाज पढ़ के फिर सो जा रहा है। और 7:30 बजे स्कूल की टाइमिंग कर दी है, पहले 8 बजे थी मान ली। बंदा इनसे पूछे 8:30 कर दो, 7:30 क्यों की है, अभी सहरी करके सोएंगे। मैं सोई नहीं थी आज, फिर सहरी ना बनती नहीं है, कल मेरे से बिल्कुल नहीं बन रही, सहरी चक्कर आए जा रहे थे। मैंने कहा था सहरी करके सोऊंगी अब, और स्कूल की टाइमिंग 7:30 है, इसका मतलब 7 बजे उठूँगी, लंच रेडी करूँगी, छोड़ के आऊँगी। चलो ड्यूटी तो नहीं पड़नी है।